हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग है एरीज यानी मेष राशि वालों की। देखते हैं इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स हमें टू मैसेजेस दे। इस हफ्ते मेरे एरीज यानी मेष राशि वालों की लव लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, हमें टू मैसेजेस दें। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए है, पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे, ठीक है। तो यस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे आपके पार्टनर के लिए, बहुत दिल करेगा एक्शन लेने का, बात करने का, ठीक है। कोई है आपके दोस्त आपको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, हो सकता है जिनके साथ आप अपने प्यार की बातें शेयर करते हो वो आपको बोलेंगे कि नहीं मत जा, तुझे तो इतना मतलब इतना डिस्टेंस दिया है, तुझसे तो वो अच्छे से पेश भी नहीं आता, तो क्यों जा रहा है। लेकिन आपकी इमोशनल फीलिंग्स जो है मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आपका इस तरह से है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, ये तो आपसे मूव ऑन करके गए हैं पास्ट में। हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए आपको ये छोड़ के चले गए हैं, तो उस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि इसने तो मुझसे मूव ऑन कर लिया है, पता नहीं क्या कभी वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। आपको इस तरह से फीलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा ये पास्ट इस रिलेशनशिप का, जो आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए, किसी एडिक्शन के लिए, किसी लालच के लिए छोड़ के चले गए थे, उस बारे में आप मुझे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, आपको इस रिलेशनशिप का बहुत बर्डन हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसे है कि आप चाहकर भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, और जो कि रुके रहे हो लेकिन आप अपने पार्टनर का एक्शन का इंतज़ार करते हो, उनका एक्शन भी नहीं आ रहा है। इस तरह से आपकी सिचुएशन मुझे इस हफ्ते नज़र आ रही है। और देखते हैं, यस, आप जो अपने पार्टनर को विश फुलफिलमेंट मानते हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आएंगे ना, तो आपको शायद कभी किसी और से प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन है जिनकी चाह आपको है, आपकी विश फुलफिलमेंट है। मतलब जैसे पर्सन से आप शादी करना चाहते हो, जो आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए, वो सारे गुण आपके इस पार्टनर में है। इसलिए ना आप चाहकर भी ना उनसे मूव ऑन नहीं हो पाते हो, मतलब दिल भी करता है ना, लेकिन आगे जाने के बाद भी आप बैक उन्हीं की तरफ देखते रहते हो। इस तरह से आपका होने वाला है इस हफ्ते भी, ठीक है। आपको बार बार ये फील होता है आपके जो भी पार्टनर है ना, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छे से पता है इस रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, और अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है ना, तो आपके पार्टनर आपको उनकी फैमिली के साथ बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, जो कि शायद इनकी फैमिली वाले आपको पसंद नहीं करते, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप है ना इस तरह से हैं कि नहीं, अब मैंने बहुत सब्र किया है, लेकिन अब जो कि मैं खुद होके तो आगे जाने वाली हूँ नहीं, लेकिन आएगा तो ये ही, आना तो जैसे कि छोड़ के चला गया है ना, वैसे ये मेरे पास वापस आए तभी मैं इस रिश्ते में आगे जाऊंगी, नहीं तो फिर इतना इमोशनल हो और जैसे कि जाने की कोशिश भी कर दो, लेकिन शायद आप जो है किसी के कहने की वजह से आगे नहीं बढ़ोगे, इस तरह से होने वाला है, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, अगर आपको पता है इस रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो आपके ये पार्टनर है ना, वहाँ से मतलब उनको प्यार वाली फीलिंग नहीं है वहाँ पे, लेकिन वो ना उनके साथ आपको मैनेज करना चाहते हैं, मतलब कि वो उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन दोनों को डोमिनेट करना चाहते हैं, दोनों को अपने अंडर रखना चाहते हैं। इस तरह से आपके पार्टनर की फीलिंग से या आपको फील होता है, जो कि आप नहीं मानना चाहते। आपको ऐसा है कि एक तो मेरे साथ रहे, नहीं तो उसके साथ रहे, और जो कि मुझे क्लैरिटी दे के जा, इस तरह से, ठीक है। या आपकी फीलिंग्स इस हफ्ते होने वाली हैं, अकेलेपन से बहुत ज़्यादा फेस करोगे, इमोशनल बहुत ज़्यादा रहोगे, और जो कि इस तरह से बार बार आपका दिल भी करेगा कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, कितने दिनों तक इंतज़ार करूँ, इस तरह से भी आपका, ठीक है। अब हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं इस हफ्ते, आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ सोचेंगे, ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स हमें बताए मेष राशि वालों के पार्टनर इस हफ्ते इनके लिए क्या कुछ सोच सकते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है वाओ द सन। चांसेस है आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन आने का, ऐसा पेंटेकल शो करता है कि आपको ये बड़ा वाला ऑफर देना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में जो आप चाहते हो वो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेष राशि वालों को आपके पार्टनर का इस हफ्ते एक्शन आने वाला है। इनका जो भी कार्मिक साइकिल है इस रिलेशनशिप का, वो ख़त्म हो चुका है। आपके पार्टनर अपने कर्म भुगत चुके हैं, जो कि आपको जज किया गया है, आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया गया है। आपका वेट जो है मुझे इस हफ्ते ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर का बहुत दिल करने वाला है। इस रिश्ते की बिगिनिंग करनी है, आपको ऑफर करना है, इस रिश्ते का स्टार्ट करना है। वाह, ये अपना ईगो जो है, आपके पार्टनर एक ऐसे पर्सन है जो कि मतलब कि ईगो में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ठीक है, जो कि मेहनती भी है, मेहनत करके उन्होंने अपना सारा आशियाना बनाया है, लेकिन यस आपके लिए वो जो है अपना ईगो छोड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। और देखते हैं, हैंग्ड है यहाँ पे,
तो इनको इस तरह से फील होगा शायद कि मुझे तो जाना है, जैसे कि आप भी सोच रहे हो कि आ ही नहीं रहा है, जैसे कि आपने एक कंडीशन बना के रखी है कि जो आप थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस नहीं करना चाहते हो, कुछ भी हो जाए आप उनके साथ मैनेज नहीं करना चाहते हो, तो इनका इसी तरह से है। ऑफ़र तो करेंगे आपको, बहुत सारे लोगों को एक्शन भी आएगा, लेकिन ये हैंग्ड है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो आपकी कंडीशन है इस रिलेशनशिप की उसको कैसे स्वीकार करें। ठीक है, आपके लिए ईगो भी छोड़ने के लिए रेडी है, लेकिन जो इनका यही है कि ये जब तक कि आपके साथ आपको कन्विंस नहीं करेंगे ना इस रिलेशनशिप में, जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ बैलेंस करने के लिए, तब तक ना आपका ये रिश्ता अच्छे से स्टार्ट नहीं हो सकता, ऐसे आपके इस पार्टनर को लगता है। ठीक है, तो यस यही है एनर्जी इस हफ्ते की आपकी, आपके पार्टनर का आपको एक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है मेष राशि वालों को। ठीक है, अब हम रोमांस एंजल्स से देख लेते हैं कि आपको क्या मैसेज मिलता है गाइडेंस। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के लिए बताए इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है, रोमांस एंजल्स से चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो ना गलत बिहेवियर करता है, जो कि अपने चेहरे पे झूठा मास्क पहना हुआ है और जो कि सामने वाले को इस तरह से दिखाता है कि नहीं ये सब सच है। ठीक है, शायद मुझे आपके पार्टनर की ही फीलिंग आ रही है, मतलब चेहरे पे एक और दिल में एक, इस तरह से हो सकता है। और देखते हैं रोमांस फीलिंग्स, यूर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप उनसे सच में प्यार करते हो, जैसे कि यहाँ पे भी आया है द फूल का कार्ड जो शो करता है आपकी फीलिंग्स उनके लिए रियल है। ठीक है, ट्रू प्यार आपने किया है, लेकिन आपके पार्टनर ने शायद झूठा मास्क पहन के रखा है, ये हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं गिव यूअर रिलेशनशिप अ चांस। यस, यूनिवर्स आपको बता रहे कि आपको इस रिलेशनशिप के ऊपर जो है वर्क करना चाहिए, आपके पार्टनर इस हफ्ते आपके पास डेफिनेटली आने के चांसेस हैं, तो भले ही उन्होंने झूठा मास्क पहन रखा है, भले ही उन्होंने आपके साथ जो भी किया है, लेकिन यूनिवर्स आपको बता रहे कि आपको इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ये आपके लिए ईगो छोड़ने के लिए रेडी है, तो यस अगर वो ईगो छोड़ने के लिए रेडी है तो आपको भी ज़रा उनके बारे में सोच लेना चाहिए। लेट यूर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एस्केप सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में कोई स्टार्ट करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है आपका कोई दोस्त, तो आपको उनकी हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये रोमांस एंजल्स से मैसेजेस थे आपके लिए। तो यस यही थी आपकी रीडिंग इस हफ्ते, यही सब कुछ आपकी लव लाइफ में होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।